जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सरकार ने विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए जो वर्क चार्ज कर्मी हैं उनको यहां पर सौगात दी है। अब उन्हें नियमित कर्मियों जैसे वेतनमान जो देने के आदेश जारी कर दिए हैं। 17 फरवरी 1995 से उन्हें नियमित कर्मियों की तरह मिलेगा वेतनमान। इसके चलते इन कर्मियों को मिलेगा लाखों रुपये का फ़ायदा। बड़ी अपडेट दोस्तों, वर्क चार्ज जो मैं बता दूं, कर्मी जो वो कर्मचारी होते हैं जो मस्ट्रोल बेसिस पे या दैनिक मजदूरी के आधार पर 1995 के आसपास लगाए गए थे, और इन कार्मिकों को अब नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और अन्य जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेगी। सरकार ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर, जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया। आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2023 के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रूल्स जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं, और इन रूल्स का जो नाम है संशोधन यहाँ पर किया गया है, राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2017 में, और इसका नाम यहाँ पर राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे दूसरा संशोधन रूल्स 2023 किए गए हैं, और ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे। यानी कि जो भी कर्मचारी, जो वर्क चार्ज कर्मचारी या दैनिक मजदूरी या मस्ट्रोल बेसिस पे जो कार्मिक लगे हुए थे, अब उन्हें 1 जनवरी 2016 से यहाँ पर नियमित कर्मचारियों के तरह ही वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिलेगा। रूल जो 6 है उसमें संशोधन करते हुए कॉलम 7 सेक्शन ए बी और सी शेड्यूल सेकंड जो है उसमें चेंज यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर एक जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर जारी करते हुए वर्क चार्ज की जो पोस्ट हैं जो 27 फरवरी 1995 से यहाँ पर रेगुलर पोस्टों में कन्वर्ट की गई है। आप देख सकते हैं सेक्शन सी और डी में जो यहाँ पर वर्क चार्ज कर्मचारियों की जो पोस्ट थी वो 17 फरवरी 1995 से रेगुलर पोस्टों के हिसाब से कन्वर्ट कर दी गई है, और इनका जो ग्रेड पे है यहाँ पर ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो यहाँ पर लागू कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं वर्क असिस्टेंट की जो पे बैंड है PB1 है 5200 से 20200, ग्रेड पे नंबर 2 है, ग्रेड पे 1700 रखी गई है, और पे मैट्रिक्स लेवल L1। इसी प्रकार से सीनियर वर्क्स असिस्टेंट 5200 से 20200, ग्रेड पे 1700, पे मैट्रिक्स लेवल L1। हेड वर्क्स असिस्टेंट पे मैट्रिक्स लेवल L2 5200 से 20200, और ग्रेड जो है ग्रेड पे 1750 रुपये यहाँ पर रखी गई है। टेक्नीशियन थर्ड की जो है 5200 से 20200, 2000 जो ग्रेड पे रखी गई है, और पे मैट्रिक्स लेवल L4 यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ थे उनको यहाँ पर रेगुलर पोस्टों में कन्वर्ट करते हुए सरकार ने बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। परमानेंट कर्मचारियों की भांति इनका वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ यहाँ पर मिलेगा। टेक्नीशियन सेकेंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400, पे मैट्रिक्स लेवल L5। इसी प्रकार से टेक्नीशियन फर्स्ट 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400, और पे मैट्रिक्स लेवल L6 यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से सीनियर टेक्नीशियन को 5200 से 20200, पे बैंड इसी प्रकार से ग्रेड पे 2400 और L7 में इनको रखा गया है। हेड टेक्नीशियन को 2800 ग्रेड पे L8, चीफ टेक्नीशियन को 9300 से लेकर 34800 पे बैंड में रखा गया है, और ग्रेड पे 3600, पे मैट्रिक्स लेवल L10। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर जो 6 आइसोलेटेड जो पोस्ट हैं उनको पे बैंड 9300 से लेकर 34800, ग्रेड पे 3600, पे मैट्रिक्स लेवल L10 में रखा गया है। साइट इंजीनियर PWD 9300 से 34800, ग्रेड पे 4800, L12 में इनको रखा गया है। इसी प्रकार से नॉन मैकेनिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिक पोस्ट जो हैं IGNP में, उनको आप देख सकते हैं वर्क असिस्टेंट, हेड वर्क असिस्टेंट, टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन सेकंड को जो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो पे मैट्रिक्स लेवल है ग्रेड पे है वो यहाँ पर जारी कर दी है। इसी प्रकार से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट इन
इलेक्ट्रिकल पोस्ट इन राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही प्रोजेक्ट में जो पोस्ट हैं उनकी भी जो ग्रेड पे है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वर्क चार्ज का जो फॉर्मूला है वो जलदाय विभाग में आता है। आप देख सकते हैं चाहे वो राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट हो, चंबल प्रोजेक्ट हो, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट हो, या जवाहर सागर प्रोजेक्ट हो, या माही प्रोजेक्ट हो, सभी में जो वर्क चार्ज इम्प्लॉयज जो लगे हुए थे उनकी पे बैंड, पे मैट्रिक्स लेवल और पे जो ग्रेड पे है उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए नियमित कर्मचारियों की भांति इनको वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ यहां पर दिया जाएगा। हेड वर्क असिस्टेंट को ग्रेड पे 1750 L2, टेक्नीशियन थर्ड को ग्रेड पे 2000 L4, टेक्नीशियन सेकेंड को 2400 ग्रेड पे L5, टेक्नीशियन फर्स्ट को 2400 ग्रेड पे L6, सीनियर टेक्नीशियन को 2400 ग्रेड पे L7, इसी प्रकार से हेड टेक्नीशियन को 2800 ग्रेड पे L8, चीफ टेक्नीशियन को 3600 ग्रेड पे L10, स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन को 4800 ग्रेड पे L12। इसी प्रकार से वर्क चार्ज जो है पोस्ट इंगेज जोन स्पेशलाइज्ड जॉब इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर हाउस एंड ग्रिड सब स्टेशन इन, मैं बता दूं अब उनकी बात करते हैं जो कि पावर हाउस में इंगेज हैं, जिसमें जो किसका निर्माण करने के लिए पावर हाउस का और जो ग्रिड सब स्टेशन है राणा प्रताप सागर में, ज्वार सागर में, माही प्रोजेक्ट में, उनके लिए अलग यहां पर ग्रेड पे सिस्टम रखा गया है, अलग पे मैट्रिक्स रखा गया है। इनमें करीब 9 प्रकार की पोस्टें हैं जिसमें वर्क असिस्टेंट को 1700 ग्रेड पे L1, सीनियर वर्क असिस्टेंट 1700 ग्रेड पे L1, हेड वर्क असिस्टेंट 1750 L2, टेक्नीशियन थर्ड 2000 L4, टेक्नीशियन सेकंड 2400 ग्रेड पे L5, टेक्नीशियन फर्स्ट 2400 ग्रेड पे L6, चीफ टेक्नीशियन 3600 ग्रेड पे L10, सीनियर चीफ टेक्नीशियन 4200 ग्रेड पे L11, स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन 4800 ग्रेड पे L12। तो दोस्तों यहाँ पर वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ को बड़ा फ़ायदा यहाँ पर सरकार ने दिया है। इसी प्रकार से वर्क चार्ज पोस्ट कन्वर्टेड इनटू रेगुलर पोस्ट इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर जो पोस्टें थी वर्क चार्ज की उनको रेगुलर पोस्ट बनाया गया, जिसमें वर्क असिस्टेंट, सीनियर वर्क असिस्टेंट, हेड वर्क असिस्टेंट, टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन फर्स्ट को, सेकेंड को, जिसमें आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वर्क असिस्टेंट होता है उसको ग्रेड पे 1700 दी गई है L1, सीनियर वर्क असिस्टेंट ग्रेड पे 1700 L1, हेड वर्क असिस्टेंट 1750 L2, टेक्नीशियन थर्ड 2000 ग्रेड पे L4 पे मैट्रिक्स, इसी प्रकार से टेक्नीशियन सेकंड को 2400 ग्रेड पे L5 पे मैट्रिक्स लेवल में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूं वर्क चार्ज जो एम्प्लॉइज हैं जो यहां पर डेली वेजेज या मस्ट्रोल के आधार पर लगाए जाते थे उनके वेतनमान और जो सर्विसेज हैं उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए यहाँ पर राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स रिवाइज पे सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023 का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। इनको अब नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन भत्तों का लाभ मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्टें शामिल हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं। जनरल पोस्ट हैं कुछ वर्क्स डिपार्टमेंट की, इसी प्रकार से नॉन मैकेनिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिक पोस्ट हैं IGNP की, इसी प्रकार से मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट हैं राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही प्रोजेक्ट की, इसी प्रकार से कुछ जो पोस्ट हैं जो स्पेशलाइज जॉब हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर हाउस एंड ग्रिड सब स्टेशन राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही प्रोजेक्ट, इसी प्रकार से कुछ जो पोस्ट हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं उनको भी रेगुलर पोस्टों की तर्ज पर वेतनमान और अन्य भत्तों का लाभ मिलेगा। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से रोहित गुप्ता जो है सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस बजट के, उनके हस्ताक्षर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो आप देख सकते हैं वर्क चार्ज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकार ने बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देते हुए नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और लाभ यहाँ पर दिए गए हैं। वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ को अब ग्रेड पे 1700 से लेकर आप देख सकते हैं 4800 ग्रेड पे तक का लाभ मिलेगा, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल L1 से लेकर L12 तक का लाभ सरकार ने यहाँ पर दिया गया है।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।